गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी हम चैप्टर नंबर टू के हम समरी रीड करने वाले हैं और आपको समझाएंगे भी ये लिखा क्या है। ओके, फर्स्ट लिखा है वाटर मूवमेंट विद इन द डेड जाइलम सेल्स अकर्ड अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, वाटर मूवमेंट जो होता है डेड जाइलम सेल्स में वो अकर होता है अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। दूसरा है देयर इज अ रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो इन द सॉइल एंड प्लांट। देखिए, वाटर का जो फ्लो है सॉइल और प्लांट में वो है रेजिस्टेंस, देयर इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से वाटर टेक्स अप द पाथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस। वाटर है वो टेक करता है, कम से कम पाथ लेता है लीस्ट रेजिस्टेंस का। ठीक है, मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स एग्जर्ट ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस व्हाइल जाइलम ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस। देखिए, मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल्स की जो वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, यानी ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस होता है मेम्ब्रेन सेल्स की मेम्ब्रेन्स में, जबकि जाइलम जो है वो ऑफर करता है लीस्ट रेजिस्टेंस, कम से कम रेजिस्टेंस। वाटर स्टेटस ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो वाटर का स्टेटस है प्लांट